हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में सर्दियों में बहुत तेजी से चलने वाले बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं। अब सर्दियां आ जाएं फिर मैं आपको चाय और कॉफी के बिजनेस के बारे में बताऊं तो कुछ खास मजा नहीं आने वाला है। और मेरे जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, सो मेरा कुछ कर्तव्य बनता है कि आपको समय के साथ में कुछ प्रॉफिटेबल एंड फ्रूटफुल वीडियोज ऐसे दूं जिसको देखने के बाद आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। सो आज की वीडियो में मैं आपको चाय के कुछ ऐसे वेरिएंट्स दिखाने वाला हूं जो कि गुड़ वाली चाय में होने वाले हैं। अब मेरे बहुत सारे भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया कोई ऐसी कंपनी के फ्लेवर्स के बारे में बताइए जहां पर हमें गुड़ वाली चाय में भी फ्लेवर्स मिल जाएं, क्योंकि चीनी वाले फ्लेवर्स तो हर कंपनी सर्व कर रही है, बट जैगरी टी में आज मैं आपको यहां पर कुछ ऐसे फ्लेवर्स दिखाऊंगा, यानी कि गुड़ में आपको प्लेन चाय मिल जाएगी, केसर इलायची चाय मिल जाएगी और मसाला चाय भी मिल जाएगी। इसके अलावा इस कंपनी से आप चाय के, कॉफ़ी के, आइस टी के, मोइतो के, लस्सी के, मिल्कशेक के कोई भी फ्लेवर्स, कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं। सो ये कौन सी कंपनी है, कैसे आप कंपनी से सैंपल ले सकते हैं, प्राइस कितना होने वाला है और सबसे अच्छी चीज़ें क्या हैं इन कंपनी के फ्लेवर्स को यूज़ करना, वेरिएंट्स को यूज़ करना, ये सब कुछ तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन वीडियो के बीच में मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी एक देने वाला हूं और उसको जानने के बाद आपको डेफिनेटली चाय के बिज़नेस में काफ़ी लाभ होने वाला है। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और ये बॉक्स ओपन करके आपको जैगरी टी में कुछ वेरिएंट्स दिखाऊं, उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दूं। देखो, आज मैं जिस कंपनी के चाय और कॉफ़ी के और बहुत सारे वेरिएंट्स आपको दिखाने वाला हूं, उस कंपनी का नाम है जिंगेसिप। और जिंगेसिप के बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना रखे हैं चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मेरी उन वीडियोस को देखने के बाद जिंगेसिप से बहुत सारे लोगों ने चाय, कॉफ़ी, मिल्कशेक, मोहितो बहुत सारे वेरिएंट्स लिए हैं और अपने कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स में यूज़ कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पा रहे हैं, क्योंकि जिंगेसिप के चाय, कॉफ़ी के वेरिएंट्स को यूज़ करके चाय और कॉफ़ी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इनके फ्लेवर से आप चाय और कॉफ़ी को विद इन 20 to 25 seconds रेडी कर सकते हैं। सो यहाँ पर जितने भी QSR रेस्टोरेंट्स हैं ना इंडिया में, वो मैक्सिमम प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है वो बहुत तेज़ी के साथ में फूड को सर्व करते हैं और इसीलिए लोग वहीं पर जाना पसंद करते हैं। और इसी तरीके से जिंगेसिप भी काम करता है कि कस्टमर को जल्दी से जल्दी में चाय, कॉफ़ी, मोहितो, मिल्कशेक फटाफट सर्व किया जा सके। और इसी के लिए जिंगेसिप ने बहुत ज़्यादा R&D करके इस फॉर्मूले को तैयार किया है। अब यहाँ पर मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने जिंगेसिप के पास कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, कितने के पड़ते हैं, उसको मेकिंग किस तरीके से है, कितनी जल्दी आप बना सकते हैं, हर बार सेम टेस्ट कैसे आ पाता है, ये सब कुछ तो मैंने आपको दिखाया ही है, बट सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जिंगेसिप के फ्लेवर्स को यूज़ करना इसलिए बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि बस आपको पैकेट फाड़ना है और एक स्पून चाय का डालना है, ऊपर से दूध डालना है और अगर आप चम्मच से भी मिक्स करते हैं तो डिसॉल्व हो जाती है, और अगर आपके पास छोटा सा हैंड ब्लेंडर तो हल्का सा घुमाएंगे और जिंगेसिप की चाय रेडी हो जाएगी। तो इससे सिंपल चाय मेकिंग का कोई प्रोसेस नहीं हो सकता, इससे फास्ट चाय मेकिंग का कोई प्रोसेस नहीं हो सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो हॉट एंड कोल्ड बेवरेज में काम करती है, यानी कि इनके फ्लेवर्स को यूज़ करके इनके चाय और कॉफ़ी के वेरियंट से आप गर्म चाय भी बना सकते हैं, ठंडी चाय भी बना सकते हैं, गर्म कॉफ़ी भी बना सकते हैं, ठंडी कॉफ़ी भी बना सकते हैं। अब कोल्ड कॉफ़ी आपने बहुत रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज़ में पी होगी, क्या कहीं पर आपने कोल्ड टी पी है? सो इनके सैंपल्स को, इनके वेरिएंट्स को यूज़ करके आप गर्मियों के सीज़न को भी टारगेट कर सकते हैं, सर्दियों के सीज़न को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरीके के बेवरेज बन जाते हैं इनके वेरिएंट्स को यूज़ करके। वेरिएंट्स दिखाता हूँ, ये है जिंगेसिप का पान वेरिएंट की चाय। इसके अलावा यहाँ पर आपको जिंगेसिप की मिल जाएगी मैंगो टी। इसके अलावा ये है जिंगेसिप का पिस्ता टी। अब ये चाय के सिर्फ 3 वेरिएंट्स ही मैंने मंगाए हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरीके की पैकेजिंग है और नेचुरल चाय है इसलिए टेस्ट में भी बहुत अच्छी आती है। आप देखो, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैगरी टी की, तो यहाँ पर आपको गुड़ वाली प्लेन चाय मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको गुड़ वाली केसर इलायची चाय देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको गुड़ वाली मसाला चाय देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से गुड़ वाली चाय के फ्लेवर्स हैं। सो आपने ये फ्लेवर्स देख लिए हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं चाय में, 30 वेरिएंट्स हैं, कॉफ़ी के 24 वेरिएंट्स हैं, आइस टी में 10 वेरिएंट्स हैं कंपनी के पास, लस्सी और मिल्कशेक की अगर बात करूँ तो 9 वेरिएंट्स हैं कंपनी के पास, मोइतो की अगर मैं बात करूँ तो 8 वेरिएंट्स मोइतो में भी हैं। तो इतने ज़्यादा, मतलब 100+ वेरिएंट्स हैं जिंगेसिप के पास। सो आपकी जो बेवरेज संबंधी समस्याएँ हैं ना, कि भैया कौन सी कंपनी के कौन से फ्लेवर्स रखूँ, कैसे बनाऊँ,
आसान तरीका क्या है, तेजी से किस तरीके किस कंपनी के फ्लेवर्स को यूज़ करके चाय बना पाऊंगा, हर बार सेम टेस्ट कैसे आएगा, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं अगर आप जिंगे सिप के वेरिएंट्स को यूज़ करते हैं चाय और कॉफ़ी मिल्कशेक मोई, तो जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अपना चाय का बिजनेस शुरू करना है तो आपको बहुत बड़े बड़े कोई इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिंगे सिप के जो भी वेरिएंट आप लेते हैं, चाहे वो चाय के हैं कॉफ़ी के हैं, उनको आप ओल्ड जो ट्रेडिशनल मेथड था भट्टी पे भी आप बना सकते हो, एक्सप्रेसो मशीन में भी आप बना सकते हो, और साथ ही में अगर आपके पास मिल्क बॉयलर है तो आप मिल्क बॉयलर में भी बना सकते हो, जो कि सबसे अच्छी बात है। इनके फ्लेवर्स को आप किसी भी तरीके से बनाएंगे, आपको एक बेहतरीन टेस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जिंगे सिप के पास सिर्फ फ्लेवर वाली चाय और कॉफ़ी नहीं है, आप इनसे प्लेन चाय और कॉफ़ी भी ले सकते हैं। तो आपको अगर कंपनी से सैंपल लेना है तो आप कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। बट कॉन्टैक्ट करने से पहले, ऑर्डर करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया जिंगे सिप के चाय को यूज़ करने पर मेकिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ चाय को बदलने से, चाय के फ्लेवर को बदलने से या चाय की कंपनी को बदलने से आपके चाय की मेकिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा? देखो, चाय बनाने में कुछ चीज़ें तो सेम रहती हैं, आपका दूध सेम रहने वाला है, दूध का प्राइस सेम रहने वाला है, आपकी जितनी गैस यूज़ होनी है उसका प्राइस सेम रहने वाला है, आपकी लेबर कॉस्ट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका शॉप का रेंट, आपका ये सारी चीज़ें तो फिक्स्ड हैं। तो जब ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं तो बस जिंगे सिप के फ्लेवर्स को यूज़ करके आपका बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होने वाला है चाय, आपका कुल्लड़ भी सेम प्राइस पे आ रहा है। तो अगर आप जिंगे सिप के चाय और कॉफ़ी के वेरिएंट्स को यूज़ करके चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, और किसी और कंपनी के चाय के फ्लेवर से भी कॉफ़ी बनाते हो, तो आपको 50 पैसे से 60 पैसे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और आज की डेट में लोग क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मांगते हैं, और अगर आप सही क्वालिटी सर्व कर रहे हैं तो कस्टमर आपके पास रिपीट आते हैं। और जिंगे सिप 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने वेरिएंट्स को तैयार करते हैं। अब भैया केसर तो आपको सस्ता भी मिल जाएगा, डुप्लीकेट भी मिल जाएगा, बट जिंगे सिप जो केसर यूज़ करते हैं वो कश्मीर का ऑथेंटिक केसर होता है, जिसका प्राइस भैया 1,80,000 के आसपास है। इलायची आपको सस्ती भी मिल जाएगी, बट जो जिंगे सिप इलायची यूज़ करता है वो 100% नेचुरल एंड बहुत अच्छे दाने वाली इलायची होती है, जिसका प्राइस 3200 से 3400 रुपये किलो है। सो अगर वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर पड़ सकता है। और यहाँ पर मैं आपका भाई होने के नाते एक एडवाइस आपको ज़रूर करूँगा, अगर आप किसी भी फूड बिजनेस में, चाहे वो चाय का है, कॉफ़ी का है, बर्गर्स का है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, कुछ भी है, और आपका फूड बिजनेस में मिनिमम मार्जिन आपका 40% का नहीं है, तो आप धंधा मत करना। और अगर आप नया भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट का प्राइस निकालो, कैलकुलेशन करो, और कम से कम मार्जिन आप 40% का रखो। सो अगर आप जिंगे सिप के भी वेरिएंट्स को यूज़ करते हैं, चाय बनाते हैं इनके सैंपल्स को, इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, या कॉफ़ी बनाते हैं, सो आप कम से कम प्राइस आपका ना स्टार्टिंग प्राइस 15 रुपीज़ रखना। उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना ही है कि अगर आप कम में बेचोगे, कम मार्जिन कमाओगे, आगे जाके फ्यूचर में आपको नुकसान होगा या दिक्कत होगी। सो इसलिए आप प्राइस वो रखो जिसमें आपको भी कुछ बचे, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो। अगर आप शाम को अपने घर में कुछ बचा कर नहीं ले गए तो बिजनेस करने का, धंधा करने का कोई फायदा नहीं। आप कुछ लोग ये बोलेंगे कि भैया मेरे यहाँ पर 5 रुपये की चाय चलती है, सो 5 रुपये की चाय होती है 50 ml के आसपास, वो भी 50 ml से भी कम सर्व करी जाती है, 40 से 40-45 ml के आसपास होती है। सो मैं बात कर रहा हूँ 80 ml के आसपास अगर आप चाय बेच रहे हो तो आप उसका प्राइस मिनिमम 15 रुपीज़ रखो। आज की डेट में आप जितने भी अच्छे कैफेज़ में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर नेचुरल चाय का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। तो फिर भी आप यहाँ पर 15 रुपीज़ चार्ज करोगे, वो भी नेचुरल ऑथेंटिक चाय के, जिसका टेस्ट एक नंबर होने वाला है, तो कस्टमर बार बार आपके पास आना भी पसंद करेगा। तो अगर आप जिंगे सिप के सैंपल्स को ट्राई करना चाहते हैं तो जो सैंपल का प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है, जिसमें इंक्लूडिंग GST एंड ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। 10 फ्लेवर्स आपको मिलेंगे, 80-80 ग्राम के मिलेंगे। अब आप खुद ट्राई करिए, अपनी फैमिली को बनाकर पिलाइए और उनका रिव्यूज़ लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कोई फ्रेंचाइजी आप नहीं ले रहे हो तो किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं है, आप मगाओ सैंपल ट्राई करो, 2 सैंपल अच्छे लगते हैं 2 का बल्क ऑर्डर करो, 3 अच्छे लगते हैं 3 का बल्क ऑर्डर करो। इसके अलावा देखो, बर्गर तो ठेले पे 10 रुपये का भी मिल जाता है, 30 रुपये का भी मिल जाता है, 20 रुपये का भी मिल जाता है, बट फिर भी लोग मैकडॉनल्ड्स जाते हैं क्योंकि क्वालिटी का फ़र्क है। तो यही चीज़ आपको देनी है, क्वालिटी ऐसी दो कि कस्टमर बार बार आए, और वही क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए
आप यूज कर सकते हैं जिंगिसिप के बहुत सारे वेरिएंट्स, 100 से भी ज्यादा वेरिएंट्स है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जो अच्छा लगे वो अपने एग्जिस्टिंग मेन्यू में ऐड करो, कस्टमर का रिव्यू लो, अगर आपको पसंद आता है और आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है सो फिर आप जिंगिसिप के साथ कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरी मेहनत को सफल कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं दोस्तों अगले एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।